नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा और आज बात होगी देवी के उस स्वरूप की जो कि भय मुक्ति का वरदान देती है और साथ ही बढ़ाती है आपका आत्मविश्वास। माँ की पूजा उपासना से दूर होते हैं आपके मंगल के दोष। तो देवी के तीसरे स्वरूप की महिमा आज हम आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के सबसे सरल और सटीक प्रयोग। शक्ति की उपासना का हर दिन विशेष है। माँ के नौ रूप नौ वरदान की तरह हैं। ग्रहों का संकट, जीवन की बाधाएं या हो कोई मानसिक परेशानी, देवी के हर रूप में छिपा है आपकी समस्या का समाधान। नवदुर्गा के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा की आज उपासना हो रही है, जो आपको साहस और आत्मविश्वास देने वाली देवी हैं। देवी शक्ति के साथ सौभाग्य, शांति और वैभव का भी वरदान देती हैं। तृतीय शक्ति का जो स्वरूप है माता का, वह चंद्रघंटा स्वरूप है। माता के इस रूप का पूजन करने से क्रोध का समन होता है, नकारात्मक विचारों का समन होता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने के कारण माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा। अपने इसी रूप से माता देवगणों, संतों तथा भक्तजनों के मन में संतोष, प्रसन्नता, वैभव, क्रोध पर नियंत्रण, मन में शांति प्रदान करती है। नवरात्रि का तीसरा दिन साहस और आत्मविश्वास पाने का है। इस दिन हर तरह के भय से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर है उनके लिए माता चंद्रघंटा की पूजा विशेष होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष साधना से व्यक्ति निर्भय हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा से न सिर्फ भय से मुक्ति मिलती है बल्कि साहस और शक्ति में भी अपार वृद्धि होती है। नवदुर्गा के इस स्वरूप की उपासना से जन्म जन्मांतर के पाप और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। धर्म और ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार माँ चंद्रघंटा की उपासना मंगल की समस्याओं के निवारण के लिए भी फलदायी है। हरे रंग का इस दिन दान करना चाहिए, केसरिया चोला चढ़ाना चाहिए। कारण क्या है कि माता बल पौरुष पराक्रम की कारक, साथ ही जन्म कुंडली में यदि मंगल किसी प्रकार का अवरोध प्रदान कर रहा है तो इस दिन विशेष तौर पर पूजा करिए, विशेष तौर पर पूजन करिए। क्रोध आता है आपको, अकारण गुस्सा आता है, हर बात पर चिढ़ जाते हैं, ऐसे लोगों को माता चंद्रघंटा के रूप का पूजन करें। माँ चंद्रघंटा के माथे पर अर्ध चंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है माँ चंद्रघंटा। ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। इनकी आराधना से स्वभाव में विनम्रता आती है। मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में अद्भुत तेज आता है। माँ चंद्रघंटा का जो वाहन है वह है सिंह। उस पर आरूढ़ होकर 10 हाथों में खड़ग, तलवार, ढाल, गदा, पास, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे तरकस लिए हुए रहती हैं। इनका यह स्वरूप है। माता चंद्रघंटा की कृपा से सभी प्रकार के पापों की मुक्ति हो जाती है, सभी प्रकार के पापों का समन हो जाता है। देवी का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से शक्ति हासिल करने का एहसास होता है, साहस की प्राप्ति होती है। ऐसे में जिन लोगों को भय की समस्या है और अकारण शत्रुओं से परेशान है, ऐसे लोगों के लिए माँ चंद्रघंटा की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। कहा जाता है उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर निरंतर साधना करनी चाहिए।
साहस और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी आप कर सकते हैं विशेष प्रयोग। नवरात्रि के तीसरे दिन रात्रि में माता चंद्रघंटा के सामने बैठे लाल वस्त्र धारण करें तो अति उत्तम होगा। माता को लाल फूल और वस्त्र अर्पित करें। नवार्ण मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। जप के बाद लाल वस्त्र को अपने पास सुरक्षित रख लें। इस दिन जप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो वह मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जाहिर सी बात है कि चंद्रमा का प्रभाव मिलेगा सकारात्मक रूप से और माता का चोला केसरिया है तो क्रोध का समन होगा, चंद्रमा और मंगल का सम्मेलन होगा और उसका युति बनेगा, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। देवी उपासना में कई चीजें खास होती हैं, जैसे उनके मंत्रों का जाप, शुद्धि, सात्विकता। लेकिन हर देवी के हर स्वरूप की पूजा में एक अलग प्रकार का भोग चढ़ाया जाता है। आपका भोग देवी माँ के प्रति समर्पण का भाव दर्शाता है। तो किस चीज का लगाएं भोग? कौन सा भोग है माँ चंद्रघंटा को अति प्रिय? माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद चढ़ाने के बाद इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों में भी बांटें। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करें। आगे हम आपको बताएंगे नवरात्रि का महामंत्र। साहस और आत्मविश्वास का वरदान देने वाली भगवती चंद्रघंटा की उपासना से हर तरह की भय बाधा दूर हो जाती है और कहते हैं कि आज के दिन माँ के एक विशेष मंत्र का यदि आप जाप कर लें तो उनकी महाकृपा मिलती है। कुंडली में मंगल कमजोर है या फिर मंगल दोष है तो देवी की उपासना परम फलदायी होती है। साहस और शक्ति का वरदान देने वाली देवी माँ चंद्रघंटा के पूजन के विशेष प्रयोग आइए आपको समझाते हैं। तृतीय दिन तीसरे दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य पुष्प गंगा जल सभी प्रकार के जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको इकट्ठा करके माता के सम्मुख बैठ जाएं, आसन पर बैठ जाएं, माता का ध्यान करें, गंगा जल छिड़कें, माता के किसी मंत्र का जप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। किसी भी एक मंत्र को लेकर के माता का स्मरण करके उनका ध्यान करते हुए जप करना है। जप करने के बाद जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है माता को अर्पित करना है, चढ़ाना है, आरती करना है। लाल वस्त्र धारण करके माँ चंद्रघंटा की उपासना करना उत्तम होता है। माँ को लाल फूल, रक्त चंदन और लाल चुनरी समर्पित करें। नवरात्रि के तीसरे दिन मणिपुर चक्र पर रम अक्षर का जाप करने से मणिपुर चक्र मजबूत होता है। अगर इस दिन की पूजा से कुछ अद्भुत सिद्धियों जैसी अनुभूति होती है तो उस पर ध्यान न देकर आगे साधना करते रहना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में कुंडली के 9 ग्रहों की शांति भी हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की कोई समस्या है तो माँ चंद्रघंटा की उपासना आपके लिए बेहद कल्याणकारी साबित हो सकती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से कुंडली का खराब मंगल भी सकारात्मक परिणाम देने लगता है। तो आइए जानते हैं मंगल की समस्याओं के निवारण के लिए क्या करना होगा। कुंडली में मंगल कमजोर है या मंगल दोष है तो देवी की उपासना बेहद कारगर है। लाल रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करें। माँ को लाल फूल, तांबे का सिक्का या तांबे की कोई वस्तु चढ़ाएं। माँ को हलवा या मेवे का भोग भी लगाएं। माँ के किसी भी मंत्र का जाप करें, फिर मंगल के मूल मंत्र का जाप करें। मंगल का मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। माँ को अर्पित किए गए तांबे के सिक्के को अपने पास रखें। इन उपायों से आपको देवी की विशेष कृपा मिलेगी और मंगल से आने वाली समस्याओं का निवारण भी हो जाएगा। देवी चंद्रघंटा की भक्ति से आध्यात्मिक और आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है।
माता चंद्रघंटा की मुद्रा सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहने वाली है, पराक्रम स्वरूप है। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी होता है, निर्भय होता है, प्रभावशाली होता है और मंगल का प्रभाव रखने वाला व्यक्ति भी पराक्रमी होता है। ऐसे में माता के इस स्वरूप का ग्रहों में मंगल से विशेष प्रकार का संबंध बताया गया है। हर परेशानी और कष्ट का अंत शक्ति उपासना से संभव है। आदि शक्ति माँ भवानी की कृपा पाने के लिए यूं तो भक्त तरह तरह के जतन करते हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिनके प्रयोग से आपको शीघ्र मिलेगी देवी कृपा। नवरात्रि में नियमित रूप से अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करें, जीवन की दरिद्रता दूर होगी। देवी चंद्रघंटा की पंचोपचार पूजा करने के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त कर योग का अभ्यास करने से साधक को अपने प्रयास में आसानी से सफलता मिलती है। सभी पापों और बाधाओं का नाश करने वाली, साहस आत्मविश्वास का वरदान देने वाली हैं माँ चंद्रघंटा। तो आप भी करें नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का ध्यान, माँ की कृपा से सवर जाएगा आपका भाग्य। देवी के हर स्वरूप के आवाहन का और उन्हें प्रसन्न करने का सिद्ध मंत्र होता है, जिनके उच्चारण मात्र से ही माँ आपके द्वार चली आती हैं और भर देती हैं आपकी खाली झोली। तो चलिए अब आपको एक ऐसा ही महामंत्र हम बताते हैं जिसके जाप से आपके दुखों का अंत हो जाएगा। नवरात्रि का तीसरा दिन समर्पित है माँ चंद्रघंटा को। भगवती का ये वो स्वरूप है जिसकी आराधना से भय, मुक्ति और साहस का वरदान मिलता है। ऐसा माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना और माँ के विशेष मंत्रों का जाप आपके दुखों को दूर करने का सबसे कारगर मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। पिंडज प्रवरा रूढ़ा चंडोक पास्त्र कैर्युता, प्रसादम तनुते महयम चंद्र घंटेति विश्रुता। देवी चंद्रघंटा की उपासना में मंत्रों का जाप विशेष लाभ देता है। साथ ही कुछ विशेष बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो देवी के इस स्वरूप की उपासना बेहद फलदायी साबित होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को मनाएं, विधि विधान से माँ की आराधना करें, माँ प्रसन्न होंगी और आपको छुपा लेंगी ममता के आंचल में। तो नवरात्र के इस खास एपिसोड में आज हमने आपको माँ चंद्रघंटा की महिमा और उनकी पूजा उपासना की विधि के बारे में बताया है और इसी के साथ आज का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।